Hello everyone, welcome to Sumit tutorial. Today I will discuss phylum Arthropoda. Start karte hain. Phylum Arthropoda. The name Arthropodas comes from two Greek words, arthros joint and podas fit leg. Arthropodas name two Greek words se aayi hai, arthros joint and podas fit leg. Next point, Arthropodas have jointed appendages. Next point, limbs are segmented. Arthropoda's body is segmented. आप ये फिगर देख रहे हैं, इंसेक्ट और स्पाइडर की फिगर है. आप देख रहे हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, सेगमेंटेड बॉडी, एक्सटर्नल स्केलेटन. इनकी जो लेग होती है और जो एंटीना होती है वो क्या होती है, उनमें ज्वाइंट होती है, न्यूमरस ज्वाइंट होती है इनके लेग में और इनके एंटीना में. और इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है एंड इनकी जो बॉडी होती है वो बाहर की साइड में मतलब एक्सटर्नल एस्केलेटन होती है. इनकी बॉडी में कोई अंदर से कोई बोन या फिर एस्केलेटन नहीं होती है, बस बाहर के साइड में क्या होती है, एस्केलेटन प्रेजेंट होती है. इस फिगर से भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी की फिगर है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड है एंड इनकी जो इनकी एंटीना और इनकी जो लेग है इनमें बहुत सारे न्यूमरस ज्वाइंट होते हैं. अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस लेग्स एंटीना. तो मैंने आपको बताया कि जो इनकी बॉडी होती है इनमें जो लेग और जो एंटीना होती है उनमें क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव लिटिल लेग, बॉडी आर डिवाइडेड इंटू सेगमेंट, दे कैन बी ब्लड सकर, फिल्टर फीडर, डेट्रीवोरस एंड पैरासाइट. नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेड मेटामेरिक. इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है, मैंने आपको दिखाया मेटामेरिकली सेगमेंटेड. तो जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड किस फाइलम में हो रही थी, फाइलम एनिलिडा में भी क्या थी, उनकी जो बॉडी थी वो सेगमेंटेड थी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड. एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा भी क्या है, इनकी जो बॉडी है सेगमेंटेड है. तो आपको ऐसे याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट, आर्थ्रोपोडा हैव एक्सोस्केलेटन. मैंने आपको फिगर से दिखाया एक्सटर्नल एस्केलेटन, इनकी जो बॉडी होती है वो बाहर साइड में क्या होती है, एस्केलेटन होती है एंड अंदर से क्या होती है, इनके बॉडी में कोई बोन या फिर एस्केलेटन नहीं होती है, इसलिए इसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, आर्थ्रोपोडा हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है एंड मैंने आपको बताया था फाइलम एनिलिडा में क्या होती थी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो मैंने बताया था फाइलम एनिलिडा में कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. मैं फिर से बता देती हूँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लो थ्रू वेसल टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज नॉट इनक्लोज इन वेसल थ्रू आउट द इंटायर बॉडी. मीन्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो करेगी वो वेसल में फ्लो करती है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटायर बॉडी में, पूरे बॉडी में क्या होगी, ब्लड फ्लो करती है, वेसल में ब्लड नहीं फ्लो करेगी. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होती है, आर्थ्रोपोडा में होती है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम एनिलिडा में. अ डाइजेस्टिव सिस्टम, अ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर. उनमें क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड सेंसरी रिसेप्टर, ये सारी होती है. तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखिए, फर्स्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल, सेकेंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, थर्ड सिलोमेट एनिमल एंड फोर्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है. ओके, तो ये क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम से स्टार्ट हुई थी, फाइलम एस्केलमेंथिस से. तो फाइलम एस्केलमेंथिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी एंड फाइलम एनिलिडा में भी एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा में. एंड ये ट्रू सिलोमेट एनिमल होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होती है. तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होती है. ठीक है, तो अब एनसीईआरटी से देखते हैं. This is the largest phylum of Animalia, which include insect. Animal kingdom की largest phylum है
फाइलम ऑर्थ्रोपोडा क्यों, क्योंकि इनमें इंसेक्ट इंक्लूड है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोडास एंड दे आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। अर्थ में जितने भी स्पीसीज होते हैं पाए जाते हैं उनमें 2/3 क्या होती है ऑर्थोपोडा पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी क्या होती है सेगमेंटेड होती है एंड सिलोमेट एनिमल होते हैं ट्रू सिलोम। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोडास इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर होती है काइटिन एक्सोस्केलेटन से। मीन्स एक्सोस्केलेटन से तो इनकी बॉडी जो कवर होती है एस्केलेटन होती है जो बाहर की तरफ, तो वो क्या होती है काइटिन की होती है, काइटिन की बनी होती है वो एक्सोस्केलेटन जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं काइटिन से बनी होने के कारण। काइटिन से एक्सोस्केलेटन बनती है जिससे कि हार्ड। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोरिक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड थोरिक्स एब्डोमेन 3 पार्ट में। ओके, दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस ऑर्थोस ज्वाइंट एंड पोडा अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है गिल्स भी होती है बुक गिल्स बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम से भी क्या ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना आई कंपाउंड एंड सिंपल। इनमें जो एंटीना और जो आईज होती है वो क्या होती है सेंसरी ऑर्गन की सेंसरी ऑर्गन होती है सेंस कर पाते। स्टेटोसाइट और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफीजियन ट्यूब्यूल। इनमें जो एक्सक्रीशन होती है वो मालफीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होती है। बात करें फाइलम एनिलिडा में, फाइलम एनिलिडा में जो एक्सक्रीशन हो रही थी ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन वो किससे होती थी नेफ्रिडिया से। एंड ऑर्थोपोडा में मॉल्फिजियन ट्यूबुल के थ्रू होती है एक्सक्रीशन। एंड फाइलम एस्केलमेंथिस में एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू होती थी एक्सक्रीशन। एंड फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस में फ्लैम सेल के थ्रू क्या होती थी एक्सक्रीशन होती थी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमने देखा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। एंड इनमें क्या होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होती है मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल होती है जिससे क्या होती है एक्सक्रीशन होती है। एंड इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। तो ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आप ये देख रहे हैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है इंसेक्ट एपिस हनीबी, बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म, लैसिफर लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स एनोफिलस क्यूलेक्स एडेस मॉस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलस जो होती है जो मॉस्क्यूटो होते हैं फीमेल एनोफिलस ये क्या कॉज करते हैं ये इनसे क्या होती है मलेरिया होती है। एंड क्यूलेस मॉस्क्यूटो से क्या होती है फिलेरेसिस। एंड एडेस मॉस्क्यूटो से क्या होती है डेंगू। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये डिजीज में भी पढ़ना है, जो डिजीज चैप्टर है उसमें भी पढ़ना है। ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस लोकस लिविंग फॉसिल लिमुलस किंग क्रैब। तो ये जो एग्जाम्पल है फाइलम ऑर्थोपोडा की बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिविंग फॉसिल्स लिमुलस किंग क्रैब भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फाइलम ऑर्थोपोडा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।